हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्म यादव। आप देख रहे हैं टिक वोकल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप गैलरी में से कोई भी वीडियो अपने इंस्टाग्राम की कोई भी वीडियो रील्स वीडियो अपने गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी वेबसाइट पर लॉगिन हुए। क्योंकि किसी वेबसाइट पर लॉगिन होते हैं तो हमारा पर्सनल डेटा चोरी होने का डर रहता है। तो आपको मैं अभी बताने वाला हूं कि कैसे सेव कर सकते हैं। वीडियो देखना, ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं नगड़वा बजा के। तो सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है। इंस्टाग्राम ऐप ओपन करना है। आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है। इंस्टाग्राम देन आपको ओपन करने के बाद अपनी रील्स की, जैसे मैं रील्स वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ। इधर से रील्स पे जाने के बाद अपना किसी का वीडियो का लिंक ले लेना है, कॉपी लिंक करना है। कॉपी लिंक करने के बाद तब आपको अपना क्रोम ब्राउज़र खोलना है। अपना क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है सेव इंस्टा, SAVE इंस्टा, INSTA। आपको सेव इंस्टा सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद कोई जो सामने वाली सबसे पहली ऊपर वाली वेबसाइट दिख रही है, ऊपर वाली वेबसाइट दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जहाँ लिखा है इंटरव्यू आर्डर, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। अपना लिंक पेस्ट करने के बाद यहाँ पे करना है, करने का थोड़ा सा वेट करना है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। वेट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपको आ गया, यहाँ पे क्यूट कर दिख रहा है। आप यहाँ से डाउनलोड डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपका वीडियो डाउनलोड होने लगेगा। इधर दिखाता हूँ आपको डाउनलोड डिटेल्स। यहाँ पे डाउनलोड, यहाँ पर सारे ऐड आते हैं, थोड़ा कैंसिल करना है आपको। फिर या तो नीचे से यहाँ से आ सकते हैं आप डायरेक्ट इस सेक्शन पे। आप यहाँ से आपका ये वीडियो डाउनलोड हो गया। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। मैं प्ले करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ। डाउनलोड हो गया है ये वीडियो आपका, देख सकते हैं, आपकी गैलरी में सेव हो गया है। अभी आपको बताना है फ़ोटो कैसे अपने वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई फ़ोटो अगर डाउनलोड करना चाहते हैं किसी का, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, इंस्टा फोटो वीडियो डाउनलोडर, और उसमें आपको लॉगिन करना पड़ता है। पर मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि ऐसी कोई एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ना डाउनलोड करें जिसमें कि लॉगिन करना पड़ता है। इंस्टाग्राम आपको एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ, इंस्टाग्राम फोटो स्टोरी, STOR स्टोरी डाउनलोडर। इस पर क्लिक करते हैं आपको ये दिखेगी, आप ये वाला स्टोरी फॉर्म इंस्टा फोटो एंड वीडियो। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं फोटो इंस्टाग्राम हैज रिपोर्ट, लेकिन आप इसमें लॉगिन करना पड़ता है। सबसे बड़ी इसमें यही बात है कि इसमें लॉगिन करना पड़ता है, लेकिन आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा कि लॉगिन मत करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका पर्सनल डाटा चोरी होने का डर रहता है। तो थैंक्स वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भैया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। सबको क्या क्या करते हैं, देखो मैं नया यूट्यूबर हूँ।